नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET PG 2023 में GNU के काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरीज आ रही है कि सर ये बताइए कि GNU के PG की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, क्या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसा कि BHU ने शुरू कर दिया है, ऐसे तमाम प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, GNU PG काउंसलिंग के लिए पोर्टल भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको कब से शुरुआत हो रहा है इसका, इसके बारे में भी बताऊंगा। यानी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और चैनल की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, कोई पहला वीडियो देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार CUET PG की सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, GNU काउंसलिंग की भी सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे आपके एडमिशन तक। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। सबसे पहले हम विजिट करते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट जो GNU के एडमिशन के लिए है। जब हम GNU के ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट वो हो जाती है GNU.ac.in/admission, यानी एडमिशन वाला जो इसका पोर्टल है उस पर हम चलेंगे और देखेंगे कि अभी तक की क्या अपडेट है। सबसे पहले इसको जानते हैं, फिर कब शुरू होगा इस पर हम बातचीत करेंगे। तो अगर हम जब यहाँ क्लिक करते हैं एडमिशन ब्लॉक पर, तो यहाँ आपका वेबसाइट अभी खुलेगा तो आपको सारी चीजें ओपन हो जाएंगी सामने आपके। एडमिशन ब्लॉक पर जब आप क्लिक करते हो तो एडमिशन ब्लॉक की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट रूप से विजिबल है। आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पर एक नोटिस है जो कि CUET की बात करती है। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी नोटिस नहीं है जो CUET की बात करती है। तो हम सीधा इस नोटिस को खोलते हैं और देखते हैं कि इस नोटिस में क्या बताया जा रहा है। ये नोटिस जो है काफी पुरानी है और इसके अलावा कोई भी नोटिस GNU ने नहीं जारी किया है। इस नोटिस में बताया जा रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर GNU एंड अपीयरिंग इन CUET 2023 हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर GNU ऑन डिक्लेरेशन ऑफ CUET 2023 रिजल्ट। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग GNU वेबसाइट दैट इज GNU.ac.in, जैसा कि मैंने बताया, फॉर एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स। यानी GNU का काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक नहीं शुरू हुआ है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्यों नहीं शुरू हुआ है? क्योंकि GNU ने अपने पिछली नोटिस में स्पष्ट रूप से मई में ही कह दिया था कि हम CUET के रिजल्ट जारी होने के बाद अपना काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस अगर आप पहले शुरू कर देंगे, रिजल्ट नहीं आया है, तो स्टूडेंट्स का पैसा बर्बाद जा रहा है, जैसा कि काफी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है। तो इसलिए रिजल्ट आने का वेट करेगा GNU और उसके बाद ही अपना काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करेगा। आपको इसका मतलब पता हो जाना चाहिए, अंदाजा लग जाना चाहिए कि जैसा कि मैंने रिजल्ट की डेट आपको बताया हुआ है अपने पिछले वीडियो में, उस वीडियो को आप देखिएगा, रिजल्ट आएगा उसके एक दो दिन बाद या फिर उसी के आसपास जो है GNU अपने काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू करेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि GNU का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है? तो जैसा कि मैंने बताया, एक तो वेबसाइट है GNU.ac.in, आप खुद उस पर विजिट कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये चैनल है जो कि आपके लिए फुल डेडिकेटेड है CUET के अपडेट के लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे ही इस पर अपडेट आएगी हम आपको गाइड करते रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी, कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, सब कुछ बताएंगे, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि GNU PG काउंसलिंग के प्रोसेस को लेकर के अभी तक की अपडेट क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।